Hello everyone, I am Param and welcome to my YouTube channel Raman Steno Classes. The last topic was about the circle and loops to initial hooks. And today we are going to discuss a new topic. Ek bahut important topic hai students, bahut interesting and easy bhi hai. So thoda dhyan se dekhenge aap ise, okay? So class start karte hain. And topic ka naam hai the Shun hook. Kuch points dekhne hain hame pehle. फर्स्ट पॉइंट है द टर्मिनेशन शन और जन वेरियसली स्पेल्ड जैसे T-I-O-N, S-I-O-N, T-I-A-N, and S-I-A-N, etc. is represented by a large hook. ओके स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स हैं जैसे टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, टी आई ए एन एंड एस आई ए एन साउंड्स पर टर्मिनेट होते हैं, एंड होते हैं. तो इन साउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लार्ज हुक के साथ, जिसे शन हुक बोला जाता है. ओके, एंड में आपको ये हुक इम्प्लॉय करनी है. जहाँ पर शन की साउंड आपको दिखेगी वहीं पर आपको ये इम्प्लॉय करनी है हुक. कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है वर्ड नोशन. हुक लार्ज रहेगी ऑन द लाइन एन एंड शन. इस तरह से नोशन. हमें लिखना है वर्ड कॉजन अबव द लाइन के एंड शन. ओ का वॉवल प्लेस करेंगे. हमें लिखना है वर्ड फैशन अबव द लाइन एफ एंड शन. लार्ज हुक इम्प्लॉय करेंगे एंड ए के वॉवल को प्लेस करेंगे आप फर्स्ट प्लेस पर. ओके, इसी तरह से अगर हमें लिखना है वर्ड मोशन एम एंड हुक शन. ओ के वॉवल को प्लेस करेंगे सेकेंड प्लेस पर मोशन. इसी तरह से नेशन लिखा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें सर्कल एस में ऑल्सो भी एडेड एज रिक्वायर्ड. अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सर्कल एस भी इम्प्लॉय कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर नेशन लिखा है, हमें लिखना है नेशंस. तो किस तरह से कर सकते हैं आप नेशंस, सर्कल एस इम्प्लॉय कर सकते हैं इनसाइड द हुक. ओके, फैशंस एफ शन एंड सर्कल एस, ए के वॉवल को प्लेस करेंगे फैशंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जब आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ शन हुक इम्प्लॉय करनी है तो आप इसे स्ट्रोक के साथ अटैच किसी भी इनिशियल सर्कल, इनिशियल लूप या इनिशियल हुक के ऑपोजिट साइड इम्प्लॉय करोगे. ओके, कैसे, एग्जांपल देखना है आपको. एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ पॉइंट. जब आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ शन हुक इम्प्लॉय करनी है स्टूडेंट्स, तो आप इसे स्ट्रोक के साथ किसी भी इनिशियल अटैचमेंट, वो सर्कल हो सकता है, लूप हो सकता है या हुक हो सकता है, उस अटैचमेंट के आप ऑपोजिट साइड हुक को इम्प्लॉय करोगे. कैसे, एग्जांपल से देखते हैं. हमें लिखना है वर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के केसेस में आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट. ऑपरेशन, ऑपरेशन वर्ड लिखना है हमें. सो यहाँ पर ऑपरेशन को हम लिखते हैं पी के साथ, आर के हुक इम्प्लॉय करते हैं एंड शन. ओके, इनिशियल अटैचमेंट इसे बोला गया है, ये हुक है, आर हुक है. इस अटैचमेंट के ऑपोजिट साइड पर आपको शन की हुक इम्प्लॉय करनी है, जिस तरह से हमने किया है ऑपरेशन, इस तरह से. ओके, ध्यान रखेंगे आप. हमें लिखना है वर्ड सेक्शन. किस तरह से करेंगे, यहाँ पर सर्कल है, इनिशियल अटैचमेंट सर्कल एस के एंड शन. ओके, सर्कल एस के ऑपोजिट साइड में आपको शन हुक इम्प्लॉय करनी है. हमें लिखना है वर्ड, और देख लीजिए, साइटेशन.
किस तरह से लिखेंगे? अबव द लाइन सर्कल एस टी एंड शन, आई के हुक को इम्प्लॉय करेंगे साइटेशन. ओके स्टूडेंट्स, क्यों करते हैं हम ऐसा? ताकि जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स की स्ट्रेटनेस है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसे बनाकर रखा जा सके. इसलिए हम अपोजिट साइड में, किसी भी इनिशियल अटैचमेंट के अपोजिट साइड में आपको शन हुक इम्प्लॉय करनी होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. जिन वर्ड्स में कोई इनिशियल हुक, सर्कल या लूप नहीं होता, तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी आपको अपोजिट साइड हुक शन इम्प्लॉय करनी है. किस तरह से? मीन्स ऐसे वर्ड्स में क्या होगा, वॉवल के अकॉर्डिंग हम शन हुक इम्प्लॉय करेंगे. यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इनिशियल अटैचमेंट के अकॉर्डिंग हमने शन हुक को अपोजिट साइड में इम्प्लॉय किया है, बट जहाँ पर ये अटैचमेंट नहीं है तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, वॉवल के अकॉर्डिंग आपकी शन हुक इम्प्लॉय होगी. कैसे? हमें लिखना है वर्ड पैशन. अब यहाँ पर क्या है, वॉवल ए है, पी लिखेंगे एंड शन, यहाँ पर आपका वॉवल लगेगा ए का, वॉवल के अपोजिट साइड आपको यहाँ पर हुक शन इम्प्लॉय करनी है, जिस तरह से हमने पैशन में किया है. ओके, हमें लिखना है वर्ड ऑप्शन. क्या करेंगे, पी एंड शन, ओ के वॉवल को हम इस साइड में प्लेस करेंगे, अपोजिट साइड फिर से हमने शन हुक इम्प्लॉय की है. इसी तरह से वर्ड एक्शन लिखना है, क्या करेंगे, के एंड शन, वॉवल लगेगा आपका अपसाइड में. ओके, ये भी ऑपोजिट हमने हुक इम्प्लॉय की है, इसका भी ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शन फॉलोइंग सर्कल्स एस एंड एन एस, व्हेन शन फॉलोज, व्हेन सन फॉलोज द सर्कल एस और एन एस, इट इज एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए स्मॉल हुक by a small hook written on the opposite side to the circle and with the same motion. ओके स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है इस पॉइंट में, जहां पर शन हुक से पहले सर्कल एस आए या एन एस आए, वहां पर आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है आपको एस स्मॉल हुक के साथ ऑपोजिट साइड लिखते हुए. ओके, एंड विद द सेम मोशन. किस तरह से, एग्जांपल देख लेते हैं. हमें लिखना है वर्ड डिसीजन. तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन, शन से पहले एस आया है, सो इसी हिसाब से आप शन की हुक इम्प्लॉय करेंगे, डी सर्कल एस एंड शन, उसी मोशन में आपको इम्प्लॉय करना है डिसीजन. हमें लिखना है वर्ड डिस्पेंसेशन. इसे भी इसी तरह से लिखेंगे आप, डी सर्कल एस, पी एन एस यहाँ पर आया है इस तरह से, एंड शन, एन एस हम इस साइड में इम्प्लॉय करते हैं. अगर सर्कल ओनली एस होता तो आप उस साइड में इम्प्लॉय करते, इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे. इसे पढ़ेंगे हम डिस्पेंसेशन. ओके, इनमें भी क्या किया जा सकता है, सर्कल एस में ऑल्सो भी एडेड एज रिक्वायर्ड. किस तरह से, हमें लिखना है वर्ड पोजिशंस. क्या करेंगे, पी सर्कल एस शन एंड एस, इस तरह से आप एस भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, पोजीशंस. और देख लीजिए, वर्ड लिखना है हमें ट्रांजिशंस. अबव द लाइन सर्कल एस. ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. शन हुक मीडियली. अगर मिड में आपको हुक शन इंप्लॉय करनी है तो उस केस में क्या करना है, ये भी किया जा सकता है. द शन हुक में ऑल्सो मे बी यूज्ड मीडियली. इसे हम मिडल में भी यूज कर सकते हैं. किस तरह से, कुछ वर्ड्स हैं उन्हें देख लीजिए. हमें लिखना है वर्ड एडिशनल. अब यहां पर क्या है, शन मिडल में आया है, एडिशनल के मिडल में शन आया है. किस तरह से लिखेंगे, डी शन एन एल. ए के सर्कल को इंप्लॉय करेंगे, वॉवल को इंप्लॉय करेंगे, एडिशनल. ओके, हमें लिखना है वर्ड एक्शनेबल. यहां पर भी क्या है, शन मिडल में आया है वर्ड के, क्या करेंगे, एक्शन बी एंड एल, एक्शनेबल. बीच में भी यूज की जा सकती है. हमें लिखना है वर्ड डिवोशनल. इसी तरह से लिखेंगे डी वी शन एंड एल. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. एंड हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा ये, वर्ड्स एंडिंग विद, वर्ड्स एंडिंग विद यूएशन एंड यूएशन. कुछ वर्ड्स हैं जो इन साउंड्स पर एंड होते हैं, यूएशन या यूएशन. सो इस केस में आपको क्या करना है, व्हेन ए when a diphthong and a vowel occur immediately before shun, the stroke ish or SH and the hook N must be written. क्या पॉइंट है ये, कुछ वर्ड्स है स्टूडेंट जो एंड होते हैं यूएशन एंड यूएशन साउंड्स पर, उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आपको शन के साउंड से पहले कोई डिप्थोंग या वॉवल आता है, इमीजिएटली पहले शन की इमीजिएटली साउंड से पहले कोई डिप्थोंग या वॉवल आता है, उस केस में आप शन हुक एम्प्लॉय नहीं करोगे, बल्कि स्ट्रोक इश एंड हुक एन यूज़ करते हुए आप आउटलाइन कंप्लीट करोगे. किस तरह से, एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें लिखना है वर्ड एक्सटेन्यूएशन. अब यहाँ पर यूएशन साउंड इंक्लूड है वर्ड में, एंड यहाँ पर यू का डिप्थोंग भी आया हुआ है शन की साउंड से बिल्कुल पहले. सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इश स्ट्रोक एंड हुक एन यूज करेंगे. किस तरह से, एक्सटेन इश एंड एन, यू के डिप्थोंग को प्लेस करेंगे इस तरह से. इसे पढ़ेंगे आप एक्सटेन्यूएशन. ओके, और देख लीजिए, हमें लिखना है वर्ड इंट्यूशन. यहां पर भी सेम वही केस रहेगा, इन टी इश एंड एन. यहां पर भी डिप्थोंग आया है, इसीलिए हमने इसे इश एंड हुक एन यूज करते हुए लिखा है. बट कुछ केसेस हैं जहां पर डिप्थोंग एंड वोवल अगर नहीं होता है, वहां पर आप सिंपली शन हुक लेते हुए अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल एक्सटेंशन, ये नॉर्मल वर्ड है आपका, यहां पर किसी तरह का वॉवल या डिप्थोंग अगर नहीं हो रहा है, सो इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से, एक्सटेन एंड शन. ओके स्टूडेंट्स, सो ध्यान रखना है आपको. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शन हुक. चैप्टर कंप्लीट है.
बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट भी बहुत हैं। ध्यान से आप इसे देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार क्लास रिपीट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप किसी भी क्वेरी को बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक।